श्री राधे, मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी फैमिली मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज का जो मैं आपको प्रयोग बताने जा रहा हूँ, इस प्रयोग से आपका भाग्य चमक जाएगा, आपके सारे ग्रह चकाचक। देखिए ग्रह ही सब कुछ, मैंने बार बार ग्रहों के बारे में इतना बोला, लोग मुझसे कहते हैं महाराज आप ग्रहों के बारे में बहुत बोलते हैं। देखिए ग्रह ही है जो आपके जीवन को चलायमान कर रहे हैं, हमारे जीवन को चलायमान कर रहे हैं, ग्रह ही सब कुछ करते हैं। कहते नहीं है घर में दो बालक हैं, एक बहुत गुस्से वाला, एक बिल्कुल शांत। ऐसा कैसे होता है, क्यों, आपने कभी सोचा है? कहते हैं इसके इसके नेचर में तो बहुत डिफरेंस है, बड़ा वाला तो बहुत शांत है, छोटा वाला बहुत तेज है, क्यों है ये आपने सोचा है? पर क्यों है, ग्रहों के कारण है। क्यों, अब छोटे वाले का जो हो सकता है कि लग्नेश वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, मेष लग्न की कुंडली हो, सिंह लग्न की कुंडली हो, और जो बड़ा वाला उसकी हो सकता है वृषभ लग्न की कुंडली हो, तुला लग्न की कुंडली हो, कर्क लग्न की कुंडली हो, शांत ग्रहों की कुंडली हो, उसकी तेज ग्रह की कुंडली, इसलिए स्वभाव में अंतर आता है। तो ग्रह ही सब कुछ करते हैं। कहते हैं सभी नचावत राम गुसाई, सबको नचाने वाले कौन है, राम जी। ऐसे ही ग्रह हम सबको नचा रहे हैं और हम नाचने में लगे हुए हैं। और जो अपने ग्रह पर नियंत्रण पा लेते हैं, जो अपने ग्रहों को अच्छा कर लेते हैं, उनका सब कुछ अच्छा हो जाता है। इसलिए अब आपके हाथ में है कि आप चाहते हैं अपने ग्रहों को अच्छा करना। यदि आप चाहते हैं अपने ग्रहों को अच्छा करना तो अपनी कुंडली आप लोग देख पाएंगे, क्योंकि बिना कुंडली दिखाए आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके ग्रह अच्छे हैं, खराब हैं, कैसे हैं, किस स्थिति में बैठे हुए हैं, किस परिस्थिति में बैठे हुए हैं, कौन से दोष हैं आपकी कुंडली में, कौन से योग हैं आपकी कुंडली में, कौन से उपाय आपको करने हैं, किन उपायों को करके आप अच्छा कर सकते हैं, कौन से ग्रह आपके अस्त हो गए हैं, कौन से ग्रह आपके अंश ही अच्छे नहीं है ग्रहों के। बैठे तो अच्छी स्थिति में है, उच्च के हैं, पर अंश मृत अवस्था में बैठे हैं, बाल्य अवस्था में बैठे हैं, पता कैसे चलेगा? कुंडली दिखाने से पता चलेगा, जब तक आप कुंडली नहीं दिखाएंगे आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बार बार बोलता हूं कि अपनी भी कुंडली दिखाइए, अपने बच्चों को भी कुंडली दिखाइए। यदि बच्चों का आप कैरियर चुन रहे हैं, बच्चे को बनना है पुलिस वाला, आपने बैंकिंग लाइन में डाल दिया, बच्चे को बनना है शिक्षक, आपने पुलिस लाइन में डाल दिया, बच्चे को बनना है बैंकर, आपने शिक्षा लाइन में डाल दिया, तो बच्चे की कुंडली उसे क्या बनाना चाह रही है? बच्चा एक्टर बनना चाह रहा है, आप उसे जाने क्या बना रहा है? इसलिए कुंडली अवश्य दिखाइए। कुंडली दिखाने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, अपना नाम आप मुझे व्हाट्सएप करिए। छोटी सी सेवा राशि रखी गई है, सेवा राशि जमा करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फिर मैं स्वयं आपको कॉल करूंगा और सब कुछ आपको बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है। घरेलू उपाय बताता हूं, घरेलू उपाय करके अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और जो मैं यंत्रों की पूजा और मंत्रों का जाप बताता हूं, वो यंत्रों की पूजा मंत्रों का जाप यदि आपने कर लिया, वो मैं 6 यंत्र और 3 मालाएं देता हूं, बता दूं आपको, मैं 6 यंत्र और 3 मालाएं देता हूं, उन यंत्रों से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मंत्र जाप से 3 मालाएं देता हूँ, रुद्राक्ष की, कमलगट्टी की, हल्दी की, इन 3 मालाओं से, कमलगट्टी की जो माला धन की प्राप्ति कराती है, अकस्मत धन की प्राप्ति, रुद्राक्ष की माला आपके सारे ग्रहों को अच्छा करती है, और जो हल्दी की माला है आकर्षण के लिए होती है, अट्रैक्शन के लिए होती है, फंसा हुआ जितना धन होता है सारा धन खींच लेती है, आपको खूब व्यापार चलाती है, और यंत्र जो होते हैं उसकी पूजा से सब कुछ आपका बनने लग जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसने कर लिया उसने अपना जीवन बना लिया। यदि आप चाहते हैं अपना जीवन बनाना तो आप भी कुंडली अपनी अवश्य दिखाइए, पहले ग्रहों को पता करिए, ग्रहों को उपाय करिए, यंत्रों की पूजा मंत्रों का जाप करिए, और चकाचक जीवन में आप भी आनंद लीजिए, अपने बच्चों को भी आनंद दीजिए, अपनी फैमिली को भी आनंद दीजिए, और समाज में जब आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा कहीं सब कोई, जब आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो जो लोग आपकी तरफ देखते नहीं थे वो आपके पीछे भागेंगे, फिर आपका मौका आएगा कि आपको उनकी तरफ देखना है या नहीं देखना है। इसलिए मैं कहता हूं अपनी कुंडली आप लोग अवश्य दिखाइए। अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बहुत ही सूक्ष्म उपाय मैं बता रहा हूं आजकल, कि जिससे आपको ज्यादा परेशानी ना हो और आप उपाय कर लें। घर में देखिए गेहूं सब लोग पिसवाते हैं, पर गेहूं किस दिन पिसवाएं? गेहूं जानते हैं आप सूर्य के कारक होते हैं, गेहूं सूर्य के कारक गेहूं होते हैं, तो आपको करना क्या है, गेहूं या तो आप शनिवार वाले दिन पिसवाएं, उसमें थोड़े काले चने डाल दीजिए। काले चने डालेंगे तो क्या होगा, काले चने मतलब शनि, शनि आपके अच्छे हो जाएंगे, सूर्य मतलब, और गेहूं मतलब सूर्य, सूर्य भी यश प्रतिष्ठा दिलाते हैं। आप देखेंगे या तो शनिवार को पिसवाइए, या हो सके तो फिर रविवार को भी पिसवा सकते हैं, या फिर आप सोमवार को पिसवा लीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में आपको अतुलनीय अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेगा, और आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे काम आपके बनने लग जाएंगे। और अपनी कुंडली आप लोग अवश्य दिखाइए। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ है, आप सब हमेशा खुश रहें, आनंद में रहें। राधे राधे।